नेपाल तो कल कपिल पंडित दीपक मुंडी फड़े गए आ। सो इन्हां दे फड़न नाल जिहड़े छेवां शूटर बचिया सी ओह फड़िया गया, जिहड़ा मेन लॉजिस्टिक वाला सी ओह फड़िया गया। ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक्स वाला मेन सचिन बेवानी फड़िया गया सी। तीन शूटर पहलां फड़े गए सी, दो शूटर मारे गए सी। सो कल दी इहदी रस्ते नाल तकरीबन जिहड़ा एक्टिव मॉड्यूल हैगा क्राइम दा, ऑन जिन्हें मौके ते क्राइम कीता या जिन्होंने शूटरां नूं वैपनज नूं गड्डियां नूं हैंडल किया, वह सारा एक तरीके नाल कॉन्कलूड हो गया है। सर सारी गिरफ्तारियां लगभग हो गई ने या शूटर जिहड़े ने सारे गिरफ्तार हो गए? शूटर दा चार गिरफ्तार हो गए, दो न्यूट्रलाइज हो गए, तो छे दे छे मतलब जो उन्हां दा बंदा सी। कोशिश कर दी ही ने कि अपने लेवल ते की कर सकती हैं, जो वड्डा केस होए असी ऑलरेडी पास्ट भी करते आए हैं। सो साडा थोड़ा बहुत जो एफर्ट सीगा ही सीगा कि जिहड़े बंदियां ने मौके ते जाके क्राइम एग्जीक्यूट किया उन्हां नूं जल्द तो जल्द फड़िया जा सके। एक सर गोल्डी बराड काफ़ी लाइव होके भी फौजी झगड़ का मास्टर माइंड भी रहे, तुसी भी कहते उन्हों फड़न की की प्रोसेस चल रही है? वो पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी ये चानना पाता, उन्होंने कहा भी अपना RCN उन्होंने खुलवाया हैगा, DGP साहब ने अज क्या कॉन्फ्रेंस, आई एम श्योर वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। सर इस तरह हौसले बुलंद ने इन्हों सारे दे, मुंडे नवे नवे कर रहे हैं 17-18 साल के, की लगता कि पैसे का प्रलोभ ने की इन्होंने दिता जाता है? कई चीज़ा ने पैसे का भी आ, कई बार अपनिया दोस्तियाँ लॉयल्टीज हो जाएँ, कई बार एक बार जब दोस्ती हो गई फिर वो गैंग का हिस्सा बन जाते, फिर इंटर गैंग रैवलरीज हो जाए, कई बार माड़ी मोटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो नजायज़ भी हो जाते किसी के ना। सो बहुत सारिया डायमेंशन ने। सर जेल के बीच जिस तरह पूरा चलाया जाता तो दिल्ली पुलिस के वास्ते कुछ करा रही है कि जेल के बीच सिंडीकेट चलता? दिल्ली पुलिस तो ऑलरेडी जेलों चुकी बड़े लोगों को लिया के अरेस्ट किया, जिम्मे किसी ने धमकी की कॉल दी, एक्सटॉर्शन की कोशिश करी, वो तो रेगूलर कॉन्टीन्यूस एफर्ट है। जेल स्टाफ से भी इस एक्शन लिया, जेल स्टाफ ने भी अरेस्ट किया है जिन्होंने नंबर अंदर मुहैया करवाए या जिन्हों का प्रूव होया। सो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है।